बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में शॉर्ट सर्किट से स्टेट बैंक की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। धुआं उठता देख राहगीरों ने ब्रांच अधिकारियों और पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचे बैंक कर्मियों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी सूचना। स्पॉट पर पहुंचे दमकल कर्मियों एवं पुलिस ने संभाला मोर्चा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का कर रहे प्रयास। अभी पूरी तरह से आग बुझाने में नहीं मिल पाई सफलता। दमकल और पुलिस का प्रयास जारी। ब्रांच के अंदर रखी सभी फाइलें और मशीनरी जलकर हुए राख। रविवार होने के चलते बंद थी ब्रांच। किसी मशीनरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का लगाया जा रहा अंदेशा। ब्रांच के अंदर रखे सामान के जलकर राख होने से लगभग 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। कोतवाली नगर के सिटी कॉम्प्लेक्स स्टेट बैंक लाइफ शाखा की घटना। प्रदीप सिंह यादव नाम है मेरा। ये कौन सा जगह है? ये SBI लाइफ की शाखा है जो सिटी कॉम्प्लेक्स में है हमारी ब्रांच, और इसमें शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लगी हुई है। कितनी देर पहले लगी थी ये? तकरीबन जो है 6 बजे जो मुझे सूचना मिली, तो मैं सारे अपने कलीग को, अपने सीनियर अथॉरिटी को फ़ोन किया। मेरे सारे स्टाफ जो है उपस्थित हो गए तुरंत, 100 नंबर को फ़ोन लगाया। इसके बाद जो है पुलिस का पूरा सहयोग मिला और पुलिस ने तुरंत जो है आग को डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और हम कंटिन्यू जो है यहाँ पे अपने ऑफिस में काटे। यहाँ पर नुकसान कितना हुआ? नुकसान हमारा करीब 1 करोड़ से प्लस में हुआ है। क्या था वहाँ पर? वहाँ पे हमारे सारे सिस्टम, सारी AC मशीन जो है, सारे डॉक्यूमेंट कागजात जो है कस्टमर के, और सारे मशीनें हैं और हमारे कैमरे वगैरह हैं, सब कुछ करीब हमारा 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में नुकसान हुआ। सरकारी चीजें पूरी बिल्डिंग में आग लगी है कि सिर्फ SBI में? पूरी सरकारी है और कोई भी पर्सनल यहाँ पे चीज ऑफिस में नहीं है। आज संडे था, पूरी तरह हमारा ऑफिस बंद था। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।